तो गाइस आज हम जा रहे हैं शिमला, वो भी लोकल ट्रेन से। और आपको बताने वाले हैं आगे कि आप कितने रुपए में जा सकते हैं सबसे कम पैसों में शिमला। तो व्लॉग में आगे भी बने रहिएगा। और अब हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली से लेके कालका वाली। तो देखते हैं अब यहाँ हमें कालका जाने में कितना टाइम लगता है और ये ट्रैवल कैसा होने वाला है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी हम पहुँचे हैं चंडीगढ़। तो अभी कालका तक नहीं पहुँचे और देखते भी और कितना टाइम लगता है। बाकी अभी हम चंडीगढ़ पहुँचे फिलहाल। स्टेशन भी मैंने आपको दिखा दिया और अभी आगे चलते हैं। कालका के बाद में जो टॉय ट्रेन में हम बैठेंगे हम वहाँ का भी सफ़र देखेंगे। तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कालका जहाँ हमें आना था ऑन द स्पॉट। अभी हम कालका में खड़े हैं और आने में जो था काफ़ी टाइम लगा बिकॉज हम लोगों का जो ट्रेन था वो बहुत ज़्यादा डिले था, मतलब 5 आवर्स डिले था। और उसके बाद में फिर अभी हम कालका आए। हाँ अभी हम कालका टू शिमला वाली टिकट लेने जा रहे हैं और जो हमारी ट्रेन थी वो बहुत ज़्यादा डिले थी। मतलब इतनी घटिया इंडियन सर्विस है वो मैं बता नहीं सकती। मतलब इतनी बेकार रहेगी ओल्ड दिल्ली से हमारी ट्रेन, मैं ऐसा जानती नहीं थी, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। और लोकल में ऐसी कंडीशन थी कि मैं फ़ोन निकाल के वीडियो भी नहीं बना सकती थी। तो अभी हम कालका आ गए, अब देखते हैं आगे का हमारा जो ट्रैवल है वो कैसा रहता है शिमला तक का। तो वीडियो में बने रहिएगा और टॉय ट्रेन भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि टॉय ट्रेन ऐसे बहुत क्यूट सी है, प्यारी सी छोटी सी। फिलहाल अभी हम टिकट ले लेते हैं। और जो हमारा यहाँ तक का टिकट था वो था 110 रुपये का पर पर्सन लोकल का, और सबके अलग अलग प्राइस हैं तो आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। टॉय ट्रेन, ये रही हमारी टॉय ट्रेन और अंदर का तो आप देख के हिल जाने वाले हैं क्योंकि बहुत ही घटिया हालत हो रही है अंदर इस टॉय ट्रेन की लोकल वाले डब्बे में। हम तो थोड़ी देर के बाद में दूसरे जर्नल में आ गए थे क्योंकि लोकल में इतना खड़े खड़े हमारा दिमाग ख़राब हो रहा था कि हम ये 7-8 घंटे का ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इसलिए आप देख सकते हो कितना रश है, इतने लोग हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ पैर रखे कहाँ खड़े हो। ऊपर से धक्का मुक्की हो रही थी पूरे ट्रेन में, कैमरा भी हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था हमें आगे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है क्योंकि इतने सारे लोग थे। फाइनली टॉय ट्रेन चल गई है कालका से लेके शिमला तक के लिए। अब देखते हैं ये लंबा, बहुत ज्यादा लंबा ट्रेवल होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे अभी इस वाली टॉय ट्रेन में और हम अभी आए थे जनरल डब्बे में। उसमें बहुत 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 रश था, बहुत भीड़ थी और उसका टिकट था 50 रुपये क्योंकि वो फुल हो गई थी 8 बज के कुछ की। और जो हमने फिर दूसरे रिजर्वेशन वाले में ट्राई किया तो वहाँ पे 65 का टिकट था, फुल होने की वजह से वो हमें नहीं मिला था। तो हमने फिर अगले स्टेशन पे जो बहुत टाइम के बाद करीब 1 घंटे के बाद में 5-6 घंटे का सफ़र है ये जो क्या कहते हैं ये आपका कालका से शिमला तक का, तो उसमें हमने ये बीच में चेंज करी है तो अब थोड़ा सा मच बेटर लग रहा है। और नज़ारे अब देख जो आती है ये टॉय ट्रेन है और उधर आगे से इंजन सेम लगता है बट उधर से ये वाली गाड़ियाँ लग रही है। एंड ये है हमारे रास्ते वाला व्यू, दूर आपको पहाड़ दिख रहे होंगे और बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ पे, जितना जाओगे ना उतना अच्छा ही अच्छा व्यू है। फाइनली हमें शिमला का बोर्ड दिख गया, ये रहा। फाइनली मैं शिमला पहुंच गई। शिमला आके मैं सबसे पहले ड्रेस चेंज करी है क्योंकि अब मुझे जो सुकून मिल रहा है ना वो मैं बता नहीं सकती। कुछ भी पहन लो इंडियन में जो कंफर्ट है वो किसी में नहीं है। और अभी दिखाती हूँ आपको शिमला, ये ले रहे हम एग्जिट एंड लुक एट अ व्यू। वाओ कुछ दिख रही है? कुछ नहीं दिख रहा सिवाय धुआं धुआं धुआं। कुछ
खुश, पहाड़ भी नहीं दिख रहे मुझे यहाँ से, दिख रहे लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ, इधर में ठंड बहुत होगी नीचे में, हम यहाँ खड़े नीचे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, ऊपर से ही देख के पता चल रहा है, पहाड़ थोड़े थोड़े से दिख रहे होंगे किसी किसी को, ध्यान से देखने पे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि आपको कितना, मतलब कम से कम बजट में कितने में आप यहाँ पे आ सकते हो, आप आ सकते हो 160 रुपये में, 110 रुपये आपकी दिल्ली से लेके कालका की टिकट, एंड यहाँ से जो आपकी होगी कालका से वो होगी आपकी 50 रुपये की टिकट, और जनरल में भी बैठ सकते हैं आप, अगर 65 में बैठेंगे तो बुकिंग में भी बैठ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मैं ये देखो कितनी अच्छी खूबसूरत जगह है, और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आई होप क्योंकि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, और गर्ल्स एंड बॉयज इतना ही कहूँगी, बहुत प्यारी लोकेशन है, तो फटाफट